तो हमारा सबसे बड़ा एक कोर इशू है वन रैंक वन पेंशन का, जो कि यूपीए की सरकार ने 26 फरवरी 2014 के ऑर्डर के तहत और दोनों में पार्लियामेंट के सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की थी। और यूपी ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया इस पुरानी पेंशन और आज के जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों की पेंशन को कम करने, गैप को कम करने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया और फिर उसके बाद 2014 में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग उनसे मिलने गए। तो उन्होंने रिवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रिवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं इसको पूरा करूँगा और उनके इज्जत मान और सम्मान को देने का काम करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक, मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे तो वहां से कहा कि मैंने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया, हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे और आज भी हमारा तकरीबन 3,000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक हमें वो ओआरओपी कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्योछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, वन रैंक वन पेंशन के ओआरओपी 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान